सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके राशि से रिलेटेड जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 30 अप्रैल 2021 शुक्रवार के आपके राशिफल के बारे में। सबसे पहले जिनका भी आज बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है उन्हें हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मां संतोषी की कृपा से आप दिन दुगुनी रात चौगुनी की तरक्की पर रहें। चलिए हम जानेंगे इस वीडियो में आपकी खुशियों के साथ साथ ऐसी कौन कौन सी परेशानियां और कौन सी कष्टों को लेकर आने वाली है जिससे आपको सावधान रहना है। और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे आज आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी चीजों से लेकर आपके राशि पर क्या असर होगी, हम पूरी विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। जिन्हें वीडियो के अंत में बहुत अच्छे विचार दिए गए हैं आप जरूर देखिएगा, आपको काफी अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज 30 अप्रैल 2021 दिन शुक्रवार का है, महीना जो है वो वैशाख का रहेगा। तिथि की बात करें तो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी नामक तिथि बन रही है क्योंकि यह ठीक शाम के 7:10 तक चलेगा और इसके उपरांत कृष्ण पक्ष की पंचमी नामक तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र की बात करें तो ज्येष्ठा नामक नक्षत्र बन रही है क्योंकि यह ठीक दोपहर 12:08 तक चलेगा और इसके उपरांत मूल नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। योग की बात करें तो परिध नामक योग बन रही है क्योंकि यह ठीक सुबह के 8:03 तक चलेगा और इसके उपरांत शिव नामक योग प्रारंभ हो जाएगा। अब बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्य उदय का जो समय है वो रहने वाला है ठीक सुबह के 5:58 पर और सूर्यास्त का जो समय है वो रहेगा ठीक 6:50 पर शाम के, और चंद्र उदय का जो समय है वो रहेगा ठीक रात्रि के 10:40 पर और चंद्रास्त का जो समय है वो रहने वाला है ठीक सुबह के 9:33 पर। सूर्य राशि रहेगा मेष राशि पर और चंद्र राशि चंद्रमा वृश्चिक राशि इसके उपरांत धनु राशि पर संचार करेगा जो कि यह ठीक दोपहर 12:08 तक चलता रहेगा। अर्थात आज का शुभ समय यह सुबह के 11:58 से लेकर दोपहर 12:49 तक चलेगा। अब बात करते हैं अशुभ समय यानी राहु काल की बात करें तो यह सुबह के 10:47 से लेकर ठीक दोपहर 12:24 तक चलेगा। याद रखिएगा दोस्तों, राहु काल के समय किसी भी शुभ कार्य को आप बिल्कुल भी ना करें वरना आपके कार्य में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं आ सकती है। झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे जाता है, इसी तरह जिंदगी का झूला अगर पीछे जाए तो डरिए मत, वो आगे भी जाएगा। जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही बड़ी तकलीफें होगी और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में सब कुछ सिखा जाता है। क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरों का नुकसान करे या ना करे खुद का नुकसान जरूर करती है। लफ्ज ही होते हैं इंसान का आईना, शक्ल का क्या वो तो उम्र और हालात के साथ अक्सर बदल जाती है। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से और अपनी छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। चलिए अब बात करते हैं आपकी डेली राशि फल की। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, हम आपकी डेली राशि फल की बात करने जा रहे हैं। वृषभ राशि का दैनिक राशि फल। कानूनी मामले अभी आपके क्षितिज पर होंगे, आपको किसी यात्रा या विदेश यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। हम आपको बताना चाहेंगे आपके पिता या पिता जैसा कोई आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नए व्यवसाय या आध्यात्मिक खोज के माध्यम से खुद को चुनौती दें। हम आपको बताना चाहेंगे एक अध्यापक आपको अच्छे भविष्य को खोजने में मदद करेगा। जहां प्यार है वहीं जीवन है, यह कहावत आज आपके लिए सच होने जा रही है। हम आपको बताना चाहेंगे जीवन में आए संबंधों से आपकी जिंदगी खुशनुमा होगी। समस्यात्मक मुद्दे भी हमेशा के लिए हल हो सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है। अधिकतर महान लोगों ने सफलता अपनी सबसे बड़ी विफलता के बाद ही हासिल की है, इसलिए असफलता से न घबराएं।
चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके करियर और बिजनेस की बात करते हैं। आज आपने मालिक या बड़े अधिकारी के साथ लंबी दूरी यात्रा करने के योग हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, यह यात्रा आपके लिए अच्छे भाग्य का प्रतीक है और आपके सितारे के अनुसार जल्द ही कोई बड़ी सफलता आपके कदम चूमेगी। हम आपको बताना चाहेंगे, अपने कीमती सामान का ध्यान रखें, हानि होने की संभावना है। जहां प्यार है वहीं जीवन है और आपके जीवन में अभी प्यार की कमी नहीं है। नया रिश्ता आपके जीवन में उत्तेजना लाएगा। अगर आपको कुछ कमी महसूस हो रही हो तो प्यार को तलाशने से न डरें। कुछ फुर्सत के पल भी आज आपके कार्ड में है। हम आपको बताना चाहेंगे, आपके पास जो भी कुछ है उसी में संतुष्ट रहने की कोशिश करें। चलिए अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। पिता या पिता जैसे किसी व्यक्ति के साथ धर्म स्थान या लघु यात्रा का संकेत है। हम आपको बताना चाहेंगे, नए संबंध बनने के भी योग है क्योंकि कोई खास आपकी ओर आकर्षित है। एक गुलाब का फूल या चॉकलेट आपके प्यार की मिठास को और भी बढ़ा देंगे, जिससे आप इन पलों का अच्छा उपयोग कर पाएंगे। हम बताना चाहेंगे, नए रिश्ते आपके जीवन में नई उमंग लेकर आएंगे। जो लोग रिश्ते में हैं वो जीवन की नई मिठास का अनुभव करेंगे और जो लोग सिंगल हैं वो साथी की तलाश में व्याकुल हो सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, जीवन की हर समस्या का एक ही समाधान है, वो है रिश्तों की कद्र करें। अपने सोना के लिए समय निकालें और उसे प्यार का एहसास कराएं। दोस्तों, अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो आप वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दें और साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से और सच्चे मन से जय संतोषी माँ जरूर लिख दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।